को देखा है, तुम बड़ी मोहब्बत की बात करते हो, तुम गरीबों को शेल्टर देने की बात करते हो, तुम बड़ी दुख दर्दी की बात करते हो, तो मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, would you welcome me? मेरे नबी ने कहा, स्ट्रेंजर है, पता नहीं कि उसका इंटेंशन क्या है। मेरे नबी ने कहा कि आई ओपन हार्टेडली वेलकम यू, अपने खुले हाथों से उसका इस्तकबाल किया। स्ट्रेंजर है, अनजान आदमी है, कहने लगा मुझे सोने के लिए तुम्हारे पास घर में जगह दोगे? मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं जानता, तू मेरे लिए स्ट्रेंजर है, कहा मोस्ट वेलकम। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैं ऐसे ही सोचा हूँ, मुझे कोई शीट नहीं दोगे, कुछ लेनन नहीं दोगे? मेरे नबी ने अपना पायस क्लॉक उस शख्स को दे दिया और कहा कि इस पर सो जा, तू जस्ट टेस्ट the patience, the level of patience of Prophet Muhammad. उसने क्या किया है पता? When he woke up in the morning, the first thing in the morning, he urinated on that blessed sheet. उसने उस sheet पर पेशाब कर दिया नबी की चादर पर। नबी ने कंप्लेंट नहीं की, नबी ने उसको उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं, बल्कि ही वाज वाचिंग कि अब मोहम्मद का रिएक्शन क्या होता है। ये तो टॉलरेंस की बात करते हैं ना, लेट्स सी हाउ टॉलरेबल ही इज। तो उसने देखा कि मेरे नबी ने उसे कुछ नहीं कहा, he served him food in the morning, breakfast दिया और अपने हाथों से उस चादर को पाक किया। तो वो शख्स इस कदर मुतासिर हुआ, he was so truly impressed with this act of kindness, कि उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, आज तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में बुग्ज था, ग्रज था, आज के बाद नहीं होगा, मैं तुम्हारी ताज़ीम करता हूँ, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ और तुम्हारे लाए हुए पैगाम को मैं कबूल करता हूँ। दोस्तों नहीं प्लीज, ये है टॉलरेंस जो हमें इंसानियत के नाम देना है। देखिए तो फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम सैयदना अली इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नहजुल बलागा में 53rd सर्मन है, उसमें सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि ह्यूमैनिटी दो किस्म में बटी हुई है, ह्यूमैनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, वन हु आर द ब्रदर्स इन योर रिलीजन एंड वन हु आर द ब्रदर्स इन योर क्रिएशन। फरमाया एक वो है जो तुम्हारा मजहबी भाई है, एक वो है जो खलकत में तुम्हारे बराबर है। इसका मतलब ये कि हर इंसान तुम्हारा भाई है, ये कुंवा इंसानियत का अल्लाह का कुंवा। तो मौजी सामाइन, जब मेरे आका ने दीन की तबलीग का इस मुबारक फरीजे का आगाज फरमाया तो मुखालिफिन की जानिब से तरह तरह की अजियतें दी गई, तकालीफ पहुँचाए गए और देखने वालों की आँख ने ताइफ के मैदान में वो नज़ारा भी देखा कि मेरे आका पर सनबारी करते हुए मेरे आका के जिस्म मुबारक को लहू लहान किया गया, आपको तकालीफ पहुंचाई गई, आप पर हमले किए गए और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यही तमन्ना ये थी कि सरकारें द्वारा